तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवनिर्वाचित हमारे काउंसलर हैं मनीष चड्डा जी। हाँ नमस्कार भाई सर। नमस्कार भाई सर। तो ये यहाँ पर खलीफा ममूला जी का जो अखाड़ा है, ये एमसीडी ने इसको जो सहायता दी और प्रमोट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी यहाँ पर आए और अभी नए यहाँ पर बने, तो कुछ और प्लान यहाँ पर बताइए क्या है आपके? अब आगे के लिए जो प्लान है, पहले तो सबसे पहले जो टीम जा रही है हैदराबाद, इनकी मदद करेंगे जो हमसे हो सकेगा। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में भी लाल सिंह जी ने मैं कहा आगे जो भी इनकी मदद मुझे कहेंगे मैं उनकी पूरी मदद करवाऊंगा, क्योंकि दिल्ली की टीम पिछली बार भी नंबर 1 रही है। तो इस तरह खेलों को प्रोत्साहित अगर एमसीडी करती है और इस अखाड़ों को करती है तो आगे भविष्य में भी दिल्ली से अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे, हमें उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बच्चों इन जो आदतों में आके नशे की आदतों से दूर रहते हैं, खेल में जब आ जाते हैं तो हम चाहेंगे बच्चे इसी चीज़ में ज़्यादा लगे, नशों से दूर रहें। तो हमारे साथ गुरु जी हैं, तो जो राज सिंह जी दिल्ली स्टेट के जो अध्यक्ष हैं मिट्टी की रेसलिंग के, तो गुरु जी कैसा यहाँ पर चल रहा है आप सब कुछ? यहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया टीम बन रही है और हम हैदराबाद टीम को यहाँ से सेलेक्ट होने के बाद हैदराबाद टीम को भेज देंगे। और चड्डा जी आपको अश्योरेंस दे रहे हैं कि सब कुछ भला होगा, बढ़िया होगा, मदद करेंगे? चड्डा साहब तो हमारी पूरी मदद करेंगे, चड्डा साहब तो हमारे पूरे सीनियर हैं। तो इस तरह जो है एमसीडी में पिछली सरकारें भी और चड्डा जी भी जो भरोसा दिया है और उम्मीद है कि खिलाड़ी उनके भरोसे पर कामयाब रहेंगे और दिल्ली के लिए मेडल लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद जी।